कल की कंटिन्यूएशन में ही आज का ये ब्लॉग है। अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ चेक इट आउट, तब आपको समझ में आएगा कहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट किया है। और ये है बेस्ट वेस्टर्न होटल, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ वैष्णो देवी का दर्शन मैंने किस तरह से किया है, और क्या क्या यहाँ पे करना पड़ता है, और किस वे में हम लोग गए हैं, सभी कुछ आप सबसे शेयर करूँगी। और ये हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड, ये है कटरा बस स्टैंड। अगर आप माँ वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। ये पहला स्टेप्स है जो कि हमने पहले ही कर लिया था, जहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिलेगा। और ये एक साथ में 5 लोगों का यात्रा पर्ची मिलता है, तो ये है पहला स्टेप जो कि हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए। हेलीकॉप्टर का भी यहाँ पे काउंटर है जो कि तुरंत आप लेके हेलीकॉप्टर टिकट्स लेके आप हेलीकॉप्टर से फ्लाई कर सकते हो माँ वैष्णो देवी। बट बैड लक, हमको ये टिकट नहीं मिला, काफ़ी लंबी लाइन थी। फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप 3 महीना पहले ही बुकिंग कर ले। और पर टिकट इसका रेट है अप एंड डाउन 4000 रुपीज़ पर पर्सन। और वहाँ से निकल के हम लोग आ गए एक शॉप में, जहाँ पे हमने माँ के लिए चुन्नी, ड्रेस और मुकुट परचेज़ किया। और यहाँ पे देखिए बहुत तरह तरह की चुन्नी, ड्रेसेस और मुकुट्स रखे हुए हैं, और अखरोट, बादाम और प्रसाद बहुत कुछ यहाँ पे है। यहाँ से हमने स्टोल भी लिया और रिबन भी लिया है। ये स्टोल है 50 रुपीज़ का और रिबन है 20 रुपीज़ का, जो कि माथे पे मैं बांध रही हूँ। और मैंने चुन्नी भी ली माँ को चढ़ाने के लिए 1100 रुपए की, मुकुट, चुन्नी और ड्रेस। और सभी लोग हम लोग तैयार हो गए यहाँ पे, और देखिए फ़ोटो भी लिया जा रहा है, सेल्फ़ी भी ली जा रही है, और बिल्कुल हम लोग तैयार हैं माँ का दर्शन करने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं पालकी बुकिंग के लिए, और पालकी का भी सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। पालकी काउंटर में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे हम 4 पालकी बुक किए हैं, और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही रेट फिक्स किया हुआ है। और पालकी पर हेड है 3150 रुपीज़। टिकट लेने के बाद ऐसी सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, और सीढ़ी चढ़ने के बाद ही आपका मेन गेट आता है, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। और ये है वो मेन गेट, और इसके अंदर जाने के बाद पूरी चेकिंग होती है। जेंट्स का लाइन अलग है और लेडीज़ की लाइन अलग है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी 100 और फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट। और ये देखिए मैं पालकी में बैठ भी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग आप कर सकते हो। पहला तो है हेलीकॉप्टर, सेकंड है पालकी, एंड द थर्ड है घोड़ा। घोड़े के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने। एक पालकी को 4 लोग उठाते हैं, और ये देखिए सामने 2 लोग और पीछे भी 2 लोग ऐसे ही अपने कंधे में उठा के पूरी रास्ता आपको लेके जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये है देखिए, यहाँ से रास्ता शुरू होता है और हमारी यात्रा भी यहीं से शुरू हुई।
पालकी में बैठ के मैंने वीडियो किया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा शेकी है, सो प्लीज़ बियर इट। बहुत ही कठिन रास्ता होके हम लोग ऊपर तक पहुँचे, पहुँचते पहुँचते हमारा 4 घंटा लग गया। 12 बजे दोपहर को हमने स्टार्ट किया है और देखिए अभी भी हम चल ही रहे हैं, पीछे हैं सारे लोग। और इधर आप देख सकते हो नीचे कितनी बड़ी खाई है, पूरी पहाड़ के ऊपर हम ऐसे चढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रास्ता है, शेड लगा हुआ है कुछ ही दूर बाद थोड़ा थोड़ा गैप है बीच बीच में। और कितने लोग जा रहे हैं, कई लोग तो पैदल भी जाते हैं और कई लोग घोड़े में जाते हैं, कई पालकी में और कुछ लोग हेलीकॉप्टर में। आपको जो मीडियम पसंद है आप उसी से अपना रास्ता तय कर सकते हो। और चारों तरफ कई दुकानें हैं और यहाँ की भी मैंने कई क्लिप्स लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक दुकान में हमने रोक के यहाँ पे चाय नाश्ता किया और हमारे साथ पालकी वाले को भी हमने चाय और नाश्ता करवाया। और देखिए काफ़ी सभी लोग बहुत एक्साइटेड है और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी धूप थी उस दिन जिस दिन हम लोग चढ़े थे, तो इसलिए बीच बीच में हमने रोक के पालकी वाले को भी रेस्ट करवाया और ख़ुद भी रेस्ट किए। और माँ वैष्णो देवी के नाम लेके हम लोग फिर अपना यात्रा शुरू किए यहाँ से। और देखिए रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही अच्छा दृश्य है, एक तरफ बहुत ही अच्छा दृश्य है, बड़े बड़े पहाड़ और बहुत अच्छा लगता है देखने में। किनारे को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, नेट से पूरी तरह से कवर किया गया है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। और पत्थरों को भी बहुत ही अच्छी तरह से नेट से कवर करके किया गया है ताकि कोई लैंडस्लाइड्स ना हो। और यहाँ पे काफ़ी बंदर भी है, बंदर भी आपको नज़र आ जाएगा। बीच बीच में रास्ते में वॉशरूम्स बने हुए हैं और रेस्टोरेंट्स है, पीने का पानी का भी व्यवस्था है। और कुछ ही दूर में शेड्स बने हुए हैं और इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से रास्ता कट जाता है। अर्थ कुमारी टेम्पल्स के पास से आपको ई कार भी मिल जाएगा और ई कार की फैसिलिटीज़ भी है, जिन लोग नहीं जा सकते वो ई कार से भी ये रास्ता को तय कर सकते हो। और देखते ही देखते लंच टाइम हो गया और हम लोग लंच लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए और सभी लोग बैठे हैं, हमने जूस भी लिया है। और देखिए लंच में हम लोग क्या लेते हैं, लंच में यहाँ पे दो ही तरह का मिलता है, एक राजमा चावल और एक मिलता है कढ़ी चावल, तो हमने कढ़ी चावल प्रेफर किया और हमने कढ़ी चावल लिया है। और कढ़ी चावल 100 रुपीज़ प्लेट है और सफिशियंट रहता है कढ़ी और चावल। लंच लेने के बाद फिर हम अपना रास्ता शुरू किए हैं, अपना यात्रा फिर से हमने चालू किया है और माँ वैष्णो देवी का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। माँ वैष्णो देवी के टेंपल में मोबाइल्स कैमराज ये सब अलाउ नहीं है और इसलिए मैं पूरा आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे लॉकर रूम्स है, वॉशरूम्स है, नहाने का भी व्यवस्था है, जिन लोग चाहते हैं कि नहा के फिर पूजा दे तो उसका भी अरेंजमेंट किया हुआ है। हमने अपना सामान लॉकर रूम में रखे, शूज़ वगैरह को भी लॉकर रूम में रखे और माँ का दर्शन करने चले गए। और बहुत ही अच्छी तरह से
बहुत ही श्रद्धा से हमने माँ का दर्शन किया, और देखिए माँ का दर्शन करके हम लौट भी आए, और देखिए सबके माथे पे माँ का सिंदूर लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा दर्शन हुआ। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे भैरव बाबा मंदिर, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा दर्शन पूरा कंप्लीट होगा। और यहाँ से भी हमने पालकी किया है, और 4 पालकी किया है। एक पालकी का रेट है 2100 अप एंड डाउन। पालकी के स्टैंड से आपको भैरव बाबा के मंदिर तक ले जाएगा, और वहाँ से फिर पालकी स्टैंड तक वो ले आएगा, उसका रेट है 2100। और यहाँ से फिर हम लोग अपना चढ़ाई शुरू किए हैं, और एक पहाड़ पे माँ वैष्णो देवी है और दूसरे पहाड़ पे है भैरव बाबा। मैं आपको सभी कुछ दिखाऊंगी स्पष्ट, एकदम आप क्लियर आप देख सकते हो कि दूसरे पहाड़ में माँ वैष्णो देवी दिख रही है। और हम लोग दूसरे पहाड़ पे आ गए हैं, और यहाँ से चढ़ाई करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे भैरव बाबा के मंदिर। और वो देखिए दूर में आपको दिख रहा होगा माँ वैष्णो देवी का मंदिर, आप लोग दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो। वो देखिए सफ़ेद जो बिल्डिंग है वही है माँ वैष्णो देवी की मंदिर। और ये देखिए शाम का समय है और सनसेट होने ही वाला है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि संध्या आरती शुरू हो जाएगी, और संध्या आरती के समय मंदिर बंद करके संध्या आरती की जाती है, उस समय किसी का प्रवेश निषेध है। और ये देखिए कठिन रास्ता होते हुए हम लोग निकल रहे हैं, और देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए भैरव बाबा के मंदिर। और देखिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भैरव बाबा का। और इस तरह से माँ वैष्णो देवी और बाबा भैरवनाथ का हमारा दर्शन हो गया बहुत ही अच्छी तरह से, और हमारी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती है आज की। और कल फिर मैं एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आऊँगी। यहाँ से हम लोग फिर कहाँ जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग। और ये है अर्धकुमारी टेम्पल, जहाँ पर देखिए कितना सुंदर लाइट किया हुआ है, लाइट टिंग्स, और बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे, सब भजन कीर्तन कर रहे हैं। और उतरते उतरते शाम हो गई, और उतरने के समय हमें सिर्फ 2 पालकी मिला, और 2 पालकी का रेट है 4900। 1 पालकी का रेट है, सॉरी 1 पालकी का रेट है 4900, और बाकी दोनों को घोड़े से उतरना पड़ा आधा रास्ता, और आधा रास्ता पैदल से। इस तरह से हमने अपना ये यात्रा को यहीं पे समाप्त किया है, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, stay healthy and stay connected.